हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने घर में, आसपास में सभी जगह प्लांट्स को देखते हैं। कुछ पौधे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। घास हमें ग्रीन पैच के जैसे दिखाई देती हैं। बहुत सारी वेराइटी हैं, कहीं रेड कलर के फ्लावर्स हैं, कहीं ब्लू हैं, कहीं येलो हैं। अलग अलग कलर के फ्लावर्स हमें दिखते हैं, अलग अलग कलर की लीव्स भी हम देखते हैं। हमें अपने आसपास में प्लांट्स की बहुत वैरायटी देखने को मिलती है, घर में, स्कूल में, पार्क में, गार्डन में। तो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ये देखिए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इसमें हमने पढ़ा है प्लांट्स में जो है ज़मीन के नीचे जो है वो क्या है, रूट सिस्टम, और ऊपर जो है वो है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट्स हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और जो शूट सिस्टम है इसमें क्या है, स्टेम है। स्टेम में ब्रांचेस, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्लांट्स के बारे में कि जो छोटे दिख रहे हैं, बहुत बड़े हैं, या हमारी हाइट के जितने हैं। अब देखिए, अब हम एक्टिविटी 1 को डिस्कस करेंगे। हमने क्या करना है, स्टेम और ब्रांचेस को पास से देखना है। कुछ पौधे हमसे छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं, कुछ हमारे साइज़ के हैं और कुछ हमसे काफ़ी लंबे हैं। हमने स्टेम को देखना है, चेक करना है कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है। हम उसको बैंड कर रहे हैं तो वो बैंड हो रहा है या नहीं, इन सभी को हम चेक करेंगे। अब देखिए, हमने चेक किया कि प्लांट की जो है वो हाइट कैसी है। जो बहुत छोटी हैं, स्टेम उनका ग्रीन है, तना भी सॉफ्ट है, जैसे टोमेटो हो गया तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हर्ब। पालक को भी हम कह सकते हैं हर्ब। अब मैंगो, आम, नीम, इनके आपने पेड़ देखे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तना, इनका स्टेम जो है वो काफ़ी थिक है, मोटा है, हार्ड है, वुडी स्टेम है। और लीव जो हैं, जो ब्रांचेस जो हैं वो कहाँ है, बहुत ऊपर हमें इनकी शाखाएं दिखाई देती हैं, इनको हम कहेंगे ट्री। अब थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं लेमन। लेमन लगभग हमारी हाइट का है, स्टेम इसका हार्ड है, वुडी है, लेकिन मोटा नहीं है। और जो ब्रांचेस हैं वो बेस में ही, नीचे से ही पौधे में शुरू हो जाते हैं, इनको हम कहेंगे श्रब। तो हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस की हैं, हर्ब, ट्री, श्रब। ये देखिए, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने कैटेगरीज बना दी हैं। ए, ये क्या है, हर्ब। बी में आपको दिख रही है ब्रांचेज जो है नीचे से ही शुरू हो गई हैं, हार्ड वुड स्टेम है, ये है श्रब का एग्जांपल। और सी में आपको ट्री दिखाई दे रहा है, हमारे इससे काफ़ी ऊंचा है, स्टेम थिक है, हार्ड है, वुडी है, और ब्रांचेज जो है स्टेम में जो है काफ़ी ऊंचाई पर है, तो ये ट्री की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। जिन प्लांट्स का स्टेम हरा है, सॉफ्ट है, उन्हें हम कहेंगे हर्ब। ये इनकी हाइट कम है और लगभग इनमें जनरली इनमें ब्रांचेस, शाखाएं नहीं होती। पालक, पुदीना, धनिया, ये हम समझ सकते हैं। टोमेटो, टमाटर का पौधा। अब है श्रब। श्रब में हमने पढ़ लिया, स्टेम जो है थोड़ा सा हार्ड है, कठोर है, लेकिन मोटा नहीं है, जैसे रोज में, तुलसी में हम देखते हैं। नींबू का पौधा हो गया, तो इनमें जो ब्रांचेस हैं वो बेस से ही शुरू हो जाती है। थर्ड कैटेगरी हमने ट्रीज़ की थी। ये पौधे बहुत लंबे हैं, इनका स्टेम हार्ड है, कठोर है, मोटा है, और शाखाएं भी जो हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में हैं, पेड़ में हम जनरली देखते हैं, तो उनको हम कहेंगे ट्रीज। आम, नीम, पीपल, ये हम इसमें एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हर्ब्स और श्रब, इनकी कैटेगरी में नहीं आए। उनमें स्टेम क्या है, बहुत वीक है, और ये पौधे जो हैं खड़े नहीं हो सकते, ज़मीन में स्प्रेड हो जाती हैं इनकी बेलें, इनको हम कहेंगे क्रीपर्स। ये देखिए, स्टेमिंग का बहुत वीक है, सारी जो हैं ये
क्राउन में ही स्प्रेड हो जाती हैं, इनको हम कहेंगे क्रीपर्स। अब वीक स्टेम की दूसरी कैटेगरी भी है जिसमें स्टेम बहुत वीक है, खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे कोई सपोर्ट दे दें, सहारा दे दें, तो एक क्लाइंब अप हो जाता है, चढ़ जाता है। जैसे मनी प्लांट हो गया, गिलोय भी आजकल बहुत ट्रेंड में है एज ए मेडिसन, तो वो सभी किस्में आते हैं क्लाइंबर में। हम इसमें कोई स्टिक लगा दें, रस्सी से, दीवार से, कहीं भी सहारा लगा दें तो ये उस पर चढ़ जाती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। मनी प्लांट इसका एग्जांपल है। तो इस तरीके से हम प्लांट्स की कैटेगरी के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे। आप भी अपने घर के आसपास प्लांट्स को देखिए, कौन सा प्लांट्स किस कैटेगरी में आता है, और उसे समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।